हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजना भारद्वाज। तो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन कि आप इतनी जल्दी पतले कैसे हो गए और आपने पेट इतनी जल्दी कम कैसे कर लिया। तो दोस्तों, बारिश का बहुत शोर हो रहा था तो मैंने सोचा मैं ओवर वॉइस करके आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ अपना पेट कम करने के लिए। वैसे तो मैं काफ़ी बार अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने किन एक्सरसाइज को करके अपना वेट कम किया है और अपना पेट भी कम किया है। एंड दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, ना मैं कोई एक्सरसाइज एक्सपर्ट हूँ, बट मैंने कुछ वीडियोज़ बाबा रामदेव जी की देखी थी, उनको देख के मैंने कुछ एक्सरसाइज जो इजी सी मुझे लगी वो करना मैंने शुरू कर दिया। एंड देन उनके ना मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, तब मैं आपके सामने अपनी एक्सरसाइज की वीडियो लेके आई कि आप भी ये वाली एक्सरसाइज करके अपना पेट और वेट कम कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ अपनी हाथों से पाँव को छूना। स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। तो आप 30 स्टेप से स्टार्ट करना, स्टार्टिंग में आप 30 या 40 स्टेप कर पाओ तो करना। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने 30 किए, 40, फिर मैं 90 तक पहुंच गई थी, बट अब मेरा पेट भी अंदर हो चुका है और वेट भी काफ़ी कम हो चुका है। तो मैं इसके डेली करती हूँ 50 स्टेप, चाहे मेरा पेट भी अंदर हो जाए, वेट भी कम हो जाए, बट मैं एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ती दोस्तों, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे इनसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। कहाँ मैं यार 68 से आज 55 पे पहुँच चुकी हूँ सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एक्सरसाइज को करके। ये वाली जो एक्सरसाइज है, अपने हाथों से पाँव को छूना, इसके मैं करती हूँ 50 स्टेप। स्टार्टिंग में पर थक जाते हैं, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी इसको करने में। अगर जो नए हैं उनका तो हाथ नहीं जाएगा पाँव तक, तो धीरे धीरे आपको स्टार्ट करनी है। मैं जब स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करने लगी थी मैं इसके 70 स्टेप करती थी, अब मेरा वेट कम हो चुका है तो मैं 50 पे आ गई हूँ। तो एक्सरसाइज मेरी रेगुलर ही रहती है, कभी मैं मिस नहीं करती। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आज एक्सरसाइज की करने की ये नहीं चलेगा, मैं छत के ऊपर एक्सरसाइज करती हूँ। आज बारिश का मौसम है, बारिश हो गई बहुत तेज, सारे घर वाले सोए हैं, सिर्फ एक मैं हूँ जो उठ गई हूँ, क्योंकि मुझे कभी हो गया आधा पौना घंटा अपनी एक्सरसाइज कर लूँगा तो मैं उठ जाती हूँ। क्योंकि यार ये चीज़ आप अपने लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हो, खुद को एक्टिव रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए कर रहे हो, तो इन चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वाली है, थोड़ी सी रेस्ट भी होगी और आपसे बातें भी होगी। इस तरह से टांगे खोलनी है आपको एंड 1। तो दोस्तों, सेकंड वाली है मेरी ये वाली एक्सरसाइज, राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छूना। इस एक्सरसाइज के भी मैं करती हूँ कम से कम 50 या 60 स्टेप कर लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके पेट कम करने के लिए, और जो साइड के टायर्स होते हैं ना उनके लिए भी बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज से ना आपका बॉडी का पीठ का पेट का सारा फैट कम हो जाता है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एक्सरसाइज है। बट आपको ना इसको करते वक्त अपने बाजू मोड़ने नहीं है, सीधा स्ट्रेट रखने अपने बाजू। और स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आपको आएगी कुछ दिन तक, मतलब ये बोलो अगर आप नए नए एक्सरसाइज कर रहे हो तो 5-10 दिन तो आपको दिक्कत आएगी, फिर धीरे धीरे जब आदत होगी तो आपको इन एक्सरसाइज करने की आदत हो जाएगी और आपको अच्छा लगेगा इनको करके। दोस्तों, इसके मैंने दिए 60 स्टेप किए। स्टार्टिंग में आप 30 से शुरू करना, धीरे धीरे आप बढ़ा देना इनको, इससे भी काफ़ी हद तक आपके टायर्स बेनिफिट कम हो जाएगा। थोड़ी सी रेस्ट लेनी है एंड नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी थक जाते हैं, मैं तो बीच बीच में क्या करती हूँ वॉक लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि छत के ऊपर चलते मेरी एक्सरसाइज तो उसके साथ मेरी वॉक भी चलती है, क्योंकि बारिश है तो आज घर के अंदर एक्सरसाइज होगी। दोस्तों, मैं एक्सरसाइज करती हूँ आराम आराम से, क्योंकि बॉडी थक जाती है ना तो आपके पास बस टाइम होना चाहिए। आराम से करो, बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, ये राइट कर लेना है, इसे ऐसे टच करना है, राइट लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करना है, ठीक है। 1 2 3 4। तो दोस्तों अगली वाली है ये वाली एक्सरसाइज, आपको राइट पैर से लेफ्ट हैंड को छूना है। इसके भी मैं करती हूँ 8 स्टेप करती हूँ, यानी कि 50 में स्टार्टिंग में करूँगी, फिर मैं थोड़ी सी रेस्ट लूँगी, फिर दोबारा से मैं 30 करूँगी, क्योंकि यार ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, इससे आपको बहुत ही जल्दी असर देखने को मिलेगा, आपका पेट ना बहुत जल्दी अंदर हो जाएगा, क्योंकि यार पेट एक ऐसी चीज़ है ना जो मतलब आपका फैट बढ़ता है तो पेट भी आगे हो जाता है, तो इसको कम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कुछ एक्सरसाइज अपना लोगे ना आप, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चल जाते हैं, 30 और करूँगी मैं थोड़ी सी रेस्ट लेके, इससे भी आपका पेट बहुत जल्दी अंदर हो जाएगा, बहुत जल्दी। आप नाश्ते में हल्के से ओट्स या कोई बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला खाना है, दूध पीना है, टोंड दूध पीना है, फुल क्रीमी पीना, लंच में आप जो मर्जी खाओ, दाल चावल काफ़ी जरूरी होते हैं, दाल चावल राजमा चने चावल जो आपकी इच्छा वो खाओ, शाम को चाय पीती हो चाय पी लो, मैं चाय नहीं छोड़ सकती, मैं चाय और एक रस खा लेती हूँ। रात को अगर आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट चाहिए, कि आपको चाहिए कि आपको 20 दिन में रिजल्ट चाहिए, कि 20 दिन में आपको 2 किलो कम करना, पेट की चर्बी कम करनी है, तो आपको 6 बजे से पहले अपना डिनर करना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल हल्का, 1 रोटी खाओ, सब्जी ज़्यादा खाओ और 1 रोटी खाओ, ओट्स पी लो, खिचड़ी खा लो, इस तरह का आपको खाना खाना है। अगर जिनकी कैपेसिटी है, जिनको बहुत ही जल्दी रिजल्ट चाहिए, वो एक काम कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए रात का खाना स्किप कर दें, रात को खाना नहीं खाना है। अगर आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे रिजल्ट चाहिए तो रात का खाना स्किप कर दो, ये करो कि 5 बजे अपना डिनर कर लो, अगर आपको नहीं रह सकते तो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसके मैंने पहले कर लिए 50 स्टेप, अब मैं लगी हूँ 30 स्टेप करने, क्योंकि यार ये वाली एक्सरसाइज जब मैंने करी ना, पहले मैं वो 2-3 वाली एक्सरसाइज करती थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शेयर किया, फिर मैंने इस एक्सरसाइज के बारे में भी पढ़ा, तो मैंने सोचा यार इसको भी मैं करना शुरू करती हूँ, क्योंकि पेट तो मेरा कम हो रहा था, बट जब मैंने ये वाली एक्सरसाइज भी करना शुरू किया ना, तब सच में मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, मेरा पेट काफ़ी हद तक कम हो गया। यार बहुत मुश्किल होता है पेट कम करना, बट कुछ डाइट अगर आप अपना लोगे, ज़्यादा तला भुना नहीं खाओगे, बाहर का मैदे वाली चीज़ें बंद कर दोगे, रेगुलर अपनी एक्सरसाइज रखोगे, ये नहीं कि आज की यार हम थक गए अब नहीं करेंगे, कल नहीं की, परसों नहीं की, फिर की, ऐसे नहीं चलेगा, और डेली आपको अपनाना पड़ेगा एक्सरसाइज को, और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये थी मेरी कुछ बेली फैट एक्सरसाइज, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, बट जो भी मैंने एक्सरसाइज आपको बताई, इनका मैंने खुद पे रिजल्ट देखा, फिर मैं आपके सामने लेके आई। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।